सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर है मेंडल ने। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थियोफ्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही उत्तर है ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी। अर्थात पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है झाड़ियों के अध्ययन से। अर्थात झाड़ियों का अध्ययन ही डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है एंथोलॉजी। अर्थात पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है या पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है?
इसका सही उत्तर है हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है घासों का। तो एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, या घासों का अध्ययन ही एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमि का। पीडियोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है इन सभी में, अर्थात सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में और दलदल भूमि में, ये तीनों जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवित कोशिका में, अर्थात विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है साइकस से। साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में दीजिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।